जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए अपडेट के साथ जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 को लेकर है। यहां पर आप एक पीडीएफ देख रहे होंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के रिजल्ट की। जी हां, 2024 के रिजल्ट की ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को जो है भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ चुका है। वेबसाइट पर तो रिजल्ट नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, इस रिज़ल्ट में जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक्चुअल जो है यहाँ पर ऐड करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर यही जो रिज़ल्ट जो आप लोगों का 2023 भर्ती का था वो भी यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से जो है सारी चीज़ें यहाँ पर जो है जिस तरीके से अभी के जो रिज़ल्ट वाली पीडीएफ वायरल हो रही है उसमें है। तो क्या है सच्चाई, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सारी चीज़ें बताया गया है, कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, यहाँ पर एसएसएफ और आप लोगों का जो एसएसएफ और अदर पोस्ट है उसकी कट ऑफ क्या गई है, टोटल कितने स्टूडेंट्स को जो है बुलाया गया है, और सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को जो है सिमिलर दिखाई दे रही है। और ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों की वैकेंसी जो बड़ी हुई है उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट भी जो है यहां पर जारी किया गया है। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो आप लोगों को जो है नीचे जो है आपके कट ऑफ को जो है एनालिसिस स्टेट वाइज भी किया हुआ है। ठीक है, स्टेट वाइज आप लोगों की कट ऑफ भी यहां पर बताई गई है। अब यहां पर जो पुरानी जो पीडीएफ है जो आप बोल सकते हो कि 2023 वाली जो भर्ती है, ठीक है, उसमें भी सेम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पर एनसीबी जो है 2023 वाली एग्ज़ाम में जो है एनसीबी की पोस्ट थी, लेकिन इस वाली एग्ज़ाम में जो है एनसीबी की पोस्ट यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आया तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी फेक न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसको क्लियर कर दूँ कि बिल्कुल भी जो है फेक जो है नोटिस है, जो 2023 वाला जो रिज़ल्ट है उसी में जो है कुछ कुछ चीज़ें जो है मॉडिफाई किया हुआ है, 2023 की जगह 2024 को लगा दिया गया है। और इसी तरीके से ये आप देख पा रहे हो कि ये 2023 वाला जो है पीडीएफ है जो कि मैच कर रहा है। अगर आप सर्च करेंगे 2023 करके तो यहाँ पर 2024 वाली पीडीएफ में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो है सेम फाइल नंबर 7, ठीक है, 7/2023 करके यहाँ पर दिया हुआ है और C1/2। ठीक है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, फाइल नंबर 7/2, ठीक है, 23 और C1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि क्या ये रिज़ल्ट सही है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जो है दिखाई गई है वो काफ़ी अच्छी है। अगर ये कट ऑफ जाती है तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फेक है पूरी तरीके से, क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट पे भी नहीं है। और जो 2023 का जो फिजिकल का जो रिज़ल्ट आया या फिजिकल के लिए जो रिज़ल्ट आया हुआ था वही पीडीएफ को जो है एडिट किया हुआ है, लगभग लगभग सेम जो है यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, आपके मन में जो डाउट थे वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर कर दिए कि रिज़ल्ट बिल्कुल यहाँ पर फेक है। ठीक है, किसी के द्वारा एडिट किया हुआ है जो कि यहाँ पर पूरा पीडीएफ आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जो भी अपडेट आएगी सही और सटीक आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, और वेबसाइट पर अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।